नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं मार्केट गया था तो मैंने देखा वहाँ पे एक ऐसी फाइट हो रही थी जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे का गला पकड़ा था और वहाँ पे एक इंसान एक ऐसे कंडीशन में था जहाँ की उसका नेक पूरा लॉक था। तो वो तो सॉल्व हो गया, बट आपको रियल लाइफ में यह कैसे सॉल्व करना है वो मैं हेल्प करने आया आपकी। अगर अब इसने पकड़ा है यहाँ पे तो आपको अपना नेक है ना, नेक और शोल्डर ऊपर लाने, नेक ऐसे दबाओ नीचे और शोल्डर को ऐसे ऊपर लाओ। तो क्या होगा, वो हाथ का जो ग्रिप है वो लूज होने लगा है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा उसको होल्ड करने में और इतना टाइट ग्रिप मिलेगा नहीं तो आपका गला पकड़ नहीं पाएगा। जस्ट इमेजिन उसने पकड़ा इस तरह से, मैंने नेक का ग्रिप ऊपर लाया, नाउ आई हैव टू मूव दिस साइड, मतलब जहाँ पे उसका हाथ है जो एल्बो साइड है वहाँ पे मूव करना है। अगर आप ये साइड मूव करेंगे तो आपको डिफेंड कर देगा दूसरे हाथ से, आपको हमेशा अपने उसके एल्बो साइड में मूव करना है। तो उसका एल्बो साइड ये है, सो आई मूव आउट साइड एंड रिमूव। अब ये नेक लॉक से निकलने के बाद एक कंडीशन याद रखना, जैसे निकले हाथ खुला पकड़ो हाथ मूव इट एंड किक। तो आप बात करते हैं इन्फॉर्मेशन में अबाउट दिस वीडियो, कि ये वीडियो में आपको टैकल कैसे करना है, बचना कैसे बाहर है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर कोई आपको आके अटैक इस तरह कर सकता है। सो इसमें बेस्ट थिंग है हमेशा अपने शोल्डर को अप लेके जहाँ से उसका एल्बो है वो साइड से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि उससे हेल्प क्या होगी, अगर आप अपोजिट साइड से बाहर निकलते हो तो उसका जो दूसरा हाथ है वो फ्री है, उससे आपको होल्ड कर सकता है। बट आपका जो उसका जो एल्बो वाला हाथ है वहाँ से अगर आप बाहर निकलते हो तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी का कंट्रोल उसके दूसरे साइड में रहेगा हमेशा, वो हमेशा बैलेंस करेगा अपने दूसरे साइड से, ना कि जिस साइड से एल्बो वो साइड से। सो ऑलवेज ट्राई टू मूव फ्रॉम द एल्बो साइड एंड दैट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन विच आई कैन गिव टू यू। तो बनता है बच्ची हमारे स्ट्रेट, तो बनता है लोग, अगर ये वीडियो पसंद है ऐसे हार्ड हार्ड सेल्फ डिफेंस वो सीखने करेंगे अपने चैनल को सब्सक्राइब मारने का। क्या एमएस के नहीं, कॉपी नहीं है, एमएस की कॉपी नहीं, स्टाइल वो इन्फ्लुएंस हो गया थोड़ा सा अपन, और बेल आइकन को ठगा बजाओ, बाय।